हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मिस्र में जो पिरामिड्स है वो नील नदी के किनारे बसे हुए हैं, और मिस्र में का जो शहर है वो भी नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बातें काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया में एक और जगह है जहाँ पर पिरामिड्स है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वो पिरामिड्स है सूडान में। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का एक शहर है जहाँ पर ये पिरामिड्स है, और ये पिरामिड्स मिस्र से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनकी बनावट, जो ये इनकी ऊंचाई है, वो मिस्र के पिरामिडों से सबसे अलग है। इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। मिस्र के पिरामिड बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन इन पिरामिड्स की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। ये बहुत छोटी स्मॉल साइजेज में है, वो भी अलग अलग साइजेज में। सूडान के पिरामिडों की ऊंचाई औसत ऊंचाई यानी कि 6 से 30 मीटर के आसपास है, जबकि मिस्र के पिरामिडों की औसत ऊंचाई 138 मीटर है। यह माना जाता है कि सूडान के पिरामिडों का निर्माण कुछ साम्राज्य के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो वहाँ पर जो वो नील नदी के किनारे करीब हजारों सालों से वहाँ पर राज किया करते थे। मिस्र और सूडान के पिरामिड्स में एक बात और अलग थी कि मिस्र के पिरामिड्स में राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था, जबकि सूडान के पिरामिड्स में आम आदमी लोग भी अपने शवों को दफनाते थे। यानी कि आम आदमी लोग भी अपने लिए पिरामिड्स बना के उसमें अपने लोगों के शवों को दफना सकते थे। ये पिरामिडों का निर्माण भी शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। साथ ही साथ उनके साथ शवों के साथ धन भी गाड़ देते थे, ताकि उनको ऐसा मानना था कि जो शव यानी कि जो आदमी मरा है उसको धन की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके, इसलिए उसके साथ धन को भी गाड़ देते थे, उसके साथ सामानों को भी गाड़ देते थे। तो ये सब भी सूडान में भी होता था, और साथ ही साथ मिस्र में भी ये सब होता था। वहाँ पर गृह युद्ध या फिर सैन्य तानाशाही के कारण वहाँ पर ये कोई भी पर्यटक वहाँ जाना पसंद नहीं करते, या फिर बहुत कम पर्यटक वहाँ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ के पिरामिडों के बारे में दुनिया के ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। अभी हमारे यहाँ के पुरातत्वविद यानी कि वहाँ के पुरातत्वविद वहाँ की जानकारियाँ जुटाने में लगे हुए हैं कि आखिर इन पिरामिडों का रहस्य क्या है। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई वीडियोस की अपडेट जल्दी मिल जाएगी।